हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो कैसे आप लोग, आई नो यू ऑल वेल। सो दोस्तों, आज हम विजिट करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसका पुराना नाम था द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। सो दोस्तों, वीडियो इन तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलिए आपको दिखा दें यहाँ पे कौन कौन सी पुरानी चीज़ें हैं, कौन कौन से हमारे विरासत है जो आपको देखने चाहिए। सो दोस्तों, ये म्यूजियम जन सहयोग और शासकीय सहयोग से 1914 में बनाया गया था, बट पब्लिक के लिए ये 1922 में खोला गया था पब्लिक विजिट के लिए। सो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कौन कौन सी पुरानी चीज़ें हमारे पास है। तो दोस्तों ये है मेन टिकट काउंटर, यहाँ से हमें टिकट लेना है, जो कि 150 का विजिटर टिकट होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन सी पुरानी चीज़ें हैं हमें देखने के लिए। सो यहाँ पे कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, और ये काफ़ी पुराने हैं क्योंकि इनके पास टैग लगे हुए कौन से सेंचुरीज़ की ये चीज़ें बनाई गई हैं। सो आप देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, काफी पुराने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और इनके सामने टैग्स लगे हुए कि कौन से सेंचुरीज के हैं ये। और मुझे ये आश्चर्य होता है कि ऐसे क्लीन स्ट्रक्चर्स उस सेंचुरीज में विदाउट आधुनिक हथियारों के कैसे बनाए गए होंगे, आप सोचिए। और यहाँ पे एक मम्मीज का ताबूत रखा हुआ है, जैसे कि पहले जमाने में मम्मीज या मरने के बाद इंसानों को एक लिक्विड में लगा के कपड़े में लपेट के ऐसे ताबूतों में बंद करके रखा जाता था, जिसे मम्मीज बोलते थे। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि महाराजा छत्रपति शिवाजी के कटार से, ये है महाराजा छत्रपति शिवाजी के कटार जो उस समय में युद्ध में यूज़ होते थे, और ढाल भी यहाँ पे रखे हुए हैं दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं। और काफ़ी भारी ये ढाल होते थे उस ज़माने में, लोग से एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेके युद्ध करते थे, जैसा आपने टीवी और कहानियों में सुना होगा दोस्तों। आज के ज़माने में ऐसे ढाल उठाने में लोगों के हालत ख़राब हो जाते होंगे दोस्तों। तो चलिए और दिखाते हैं आपको खूबसूरत चीज़ें, चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों अतीत हमेशा अतीत नहीं होता है, ये वर्तमान के धड़कनों में बसा होता है, और अपने इसी अतीत को संजो के संभाल के रखना ही हमारी संस्कृति है दोस्तों। और यही कारण है कि हमारे पास अतीत की असंख्य विरासतें हैं, इनमें से खजुराहो और ताजमहल और महाराज छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय जैसे अनेकों विरासतें हैं दोस्तों। Thank you.
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं दोस्तों, और इसमें समय समय पर वृद्धि की जाती है दोस्तों, ऐड ऑन किया जाता है यहाँ पे। और आज के समय में यहाँ पे करीबन 70,000 पुरानी आकृतियाँ रखी हुई हैं दोस्तों। सो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए दोस्तों, अपनी धरोहर, अपनी विरासत की चीज़ें देखिए, उसको समझिए, उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स के आगे टैग लगे हुए हैं ताकि आप उसके बारे में जान सकते हो दोस्तों। दोस्तों आपको चलिए दिखाते हैं हमारे मुरली मनोहर की पुरानी आकृति, यह है डांसिंग कृष्णा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज रखी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं, और आपको पता है ये किस चीज़ से बनी है? ये बनी है इंसानों की हड्डियों से। आपको आश्चर्य हो रहा है राइट, ये इंसानों की अस्थियों से बनाई गई ज्वेलरीज है दोस्तों, और कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई आप देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ विजिट कीजिए, और उनको बताइए अपने पूर्वजों के धरोहर, अपने पूर्वजों के विरासत के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों के आगे टैग लगे हुए हैं। आप उनके बताइए और दिखाइए यहाँ पे इस खूबसूरत स्ट्रक्चर्स और पुराने सेंचुरीज के चीज़ों को। और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, बहुत ही बेकार लग रहा है, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने का, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक नहीं होता है, अगर कोई काम आप कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइज नहीं होता है दोस्तों, तो आपका मन थोड़ा सा डाउन हो जाता है उसके बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो दोस्तों। और दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।